केंद्र सरकार की कोल इंडिया के प्रति ली गई नीतियों के खिलाफ कोल इंडिया के सभी कोयले की खदानों के साथ कोरिया जिले के श्रमिक यूनियन ने 3 दिन का हड़ताल कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार कोल इंडिया लिमिटेड में निजीकरण को बढ़ावा देते हुए कोल ब्लॉकों की नीलामी निजीकरण क्षेत्र में करने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर कोल इंडिया के सभी क्षेत्रों में मजदूर यूनियन ने केंद्र सरकार के खिलाफ में 3 दिवसीय हड़ताल करने का आह्वान किया है, जो कि 2 जुलाई से शुरू होकर 4 जुलाई तक यह हड़ताल करने का श्रमिक संगठन ने निर्णय लिया है। गौरतलब हो कि जहां एक तरफ कोल इंडिया में श्रमिक एक तरफ सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया नहीं चल रही है, जिसको लेकर विरोध में कोल इंडिया के श्रमिक संगठनों के नेताओं ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर नीति का विरोध करते हुए इसे न लागू करने की अपील की, किंतु बैठक का नतीजा निराधार रहा, जिसको लेकर कोल इंडिया SICL के श्रमिक यूनियनों ने 3 दिवसीय हड़ताल का आह्वान करते हुए खदानों के पूरे काम धाम को पूरी तरह से ठप करने का निर्णय लिया है। किस प्रकार से ये पूरे खदानों में जो हड़ताल चल रही है, 3 दिन के लिए आह्वान किया गया है, किन किन मुद्दों पर ये हड़ताल चल रही है? सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के विरोध में, उद्योग विरोधी नीतियों के विरोध में, कमर्शियल माइनिंग एवं निजीकरण के विरोध में यह संयुक्त मोर्चा ने हड़ताल का आह्वान किया है। ये पूरे कोल उद्योग में ये हड़ताल हो रहा है। जो अभी सुनने में आया था कि जो मैनेजमेंट के साथ में कुछ बैठक हुई थी, क्या बैठक का कोई परिणाम आया कि नहीं आया? नहीं, कोई परिणाम नहीं आया बैठक का, क्योंकि हमारे शीर्ष नेताओं ने एक शब्द में कहा कि जिस उद्योग को प्रधानमंत्री जी स्वयं बेच रहे हैं, तो आप लोग कौन होते हैं उनसे बात, मैंने हमको आप जवाब देने वाले, पहले आप लिखित में हमको दीजिए कि आप कमर्शियल माइनिंग वापस लेंगे, तब हम स्ट्राइक को वापस लेंगे। इसीलिए बैठक बेनतीजा हुआ, जिस कारण से आज से हड़ताल पे हम। कितने दिन का हड़ताल रहेगा? 3 दिवसीय हड़ताल का आह्वान है संयुक्त मोर्चा की ओर से, और क्योंकि हम चिरमिरी क्षेत्र में है, चिरमिरी क्षेत्र में टोटल 100% हड़ताल हुआ है। 3 दिवसीय का हड़ताल कर रहे हैं, इसमें 5 श्रम संगठन है, ये कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ में है, और केंद्र सरकार इस बात को एक साल से लिए चले आ रही है और ये रोकने की बात करती है, और उसके बाद पुनः इसको उजागर कर देती है। इससे हमारे कर्मचारी भाइयों को बहुत नुकसान है, हमारे कोल इंडिया को नुकसान है, हमारे उद्योग को नुकसान है, और हमारे बगल में कोई प्राइवेट माइंस आके खोलेगा तो हमारा माइंस वैसे ही ख़त्म हो जाएगा और हमारा भविष्य खतरे में दिख रहा है। इसलिए 5 श्रम संगठन ने पूरी तरह से हड़ताल का आह्वान किया है, और जब तक इसको केंद्र सरकार या हमारे कोयला मंत्री जी कमर्शियल माइनिंग को वापस नहीं लेंगे, जब तक हम लोग स्ट्राइक में रहेंगे। आगे भी अगर ऐसा हुआ तो हम लोग अनिश्चितकालीन स्ट्राइक में जाएंगे। हड़ताल कितना दिन का है? ये हड़ताल अभी 3 दिनों के लिए हम लोग दिए हैं, और संयुक्त मोर्चा है, पूरे 5 ट्रेड यूनियन है ना, और ये 3 दिन का हड़ताल रेगुलर चलेगा जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होती है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। आप कामगारों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम लोग कमर्शियल माइनिंग जो है प्राइवेट कंपनी को देगी, उसमें किसी भी तरह से कोयला निकालने उसका जिम्मेवारी है हम लोग का। हम लोग सेफ्टी के साथ कोयला निकालते हैं, हमारा लागत ज़्यादा है, हम वर्कर को ज़्यादा सुविधा है हमारे यहाँ, वो 10,000 पे काम कराएंगे, हमारे यहाँ 40,000 से कम किसी वर्कर का नहीं है, उनके बराबरी तो कर नहीं सकते हैं। मतलब आपका सीधे सीधे है कि आप कोल इंडिया को बंद करा दो, आपका कहना है आपके हिसाब से, तो इसके खिलाफ हम लोग हैं। गवर्नमेंट सेक्टर है, जब 72 में गवर्नमेंट सेक्टर हुई तो कुछ सोच के ही लोग किए होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज पूरा बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं हमारे कोल इंडिया को।